मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को पंचकुला में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आयोजित नैतिकता शिविर में उपस्थित भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भौतिक निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण आवश्यक है। एक बार व्यक्ति का निर्माण हो गया तो भौतिक निर्माण अपने आप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन में नैतिकता के भाव से आत्मसात करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि लोगों में अविश्वास की भावना को खत्म करने के लिए एक चुनौती है, परंतु अधिकारी अपनी सोच और कार्यशैली में बदलाव लाकर जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर सकते हैं। विचारधारा के नाते से कर्मचारियों से कभी हमें अपेक्षा नहीं की कि किसी एक विचारधारा से बंध कर चले, खास करके राजनीतिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा किसी की कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने मन के हिसाब से जिसको जो पसंद है वो करे, लेकिन व्यवहार के नाते नैतिकता में अगर अंतर आ गया तो समझो हम अपने समाज से धोखा कर रहे हैं। समाज से धोखा कर रहे तो अपने से कर रहे हैं। तो इस नाते से जितनी भी चीजें आज बोली गई हैं, सीधा सीधा यह है कि आज हमारे कर्मचारी अधिकारियों में जो अभाव दिखता है कहीं कहीं उस कम, यानी आज नैतिक शिविर के अंदर आने का मतलब यह है नहीं है कि हम कुछ सारे अनैतिक हो गए। आज हम नैतिक हैं ये तो मान के चल ही रहे हैं। नैतिक होने के बाद अनैतिकता छू ना जाए इस सावधानी के लिए कर रहे हैं। और ये 3.5 लाख लोगों का जो प्रशिक्षण है, जो हमारे हिप्पा के माध्यम से जो करने के लिए हमारी बहन श्रीमती चंद्रलेखा जी ने एक बीड़ा उठाया है, मैं इनका आभारी हूं कि इन्होंने एक बहुत सुनियोजित तरीके से काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। कितने अच्छे उद्गार आज हमने वीडियो में देखे हैं। 2 लाख से ऊपर बंधुओं का ये प्रशिक्षण हो चुका है। 31 मार्च तक 3.5 लाख पूरे का पूरा हो जाएगा। हमारी योजना मत यह है कि हम 2 साल में 1 राउंड करें, लेकिन एक सज्जन तो कह रहे थे कि हर साल करना चाहिए। अब हर साल करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम कोई अनैतिक हो जाएंगे तो बार बार नैतिक बनाना है, बल्कि ये एक स्वभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी उसको लाइन से हट ना जाए, भूल ना, यानी बार बार मन को भी शुद्धिकरण के ले जाने के लिए अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो अभ्यास लगातार करना चाहिए। ये शिविर, ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम, ये हमारी चर्चा, ये लगातार हम करते रहें और इस नाते से आगे बढ़ते रहें। हम स्वयं तो कर ही रहे हैं, जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है वो एक ट्रेनर की भी आई है कि आज हम यहां से सारी बातचीत करके शायद अगले जो शिविर होंगे उनमें ट्रेनर के नाते भी काम करेंगे। उनको करने के लिए लगभग 2000 ट्रेनर्स, इनकी जो आवश्यकता है, हो सकता है हमें से पहले कुछ लोग गए होंगे, नहीं तो अभी भी जाने का मौका मिलेगा। जो बात हमारे जीवन में आदर्श के रूप में है, हम वही बात आगे उनको बताएंगे तो उसको स्वीकार करेंगे। देखिए, संदेश और ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सब लोगों को, चाहे हमारे नेता हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों अथवा सामान्य समाज हों, जीवन मूल्यों के ऊपर आगे बढ़ करके उनको सबको अपना व्यवहार करना चाहिए। अब चूँकि सरकार के साथ आम जनता का एक व्यवहार जो होता है उसे बहुत सी बातें ऐसी होती जो सुधार की गुंजाइश है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में हमने जो हमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उनको कर्मयोगी मिशन, इसके अंतर्गत हरियाणा कर्मयोगी का एक कार्यक्रम चलाया है। हिप्पा के माध्यम से इस अभियान को 30 नवंबर को शुरू किया गया था। अभी तक 2,10,000 लोगों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये सारी चर्चा और ये सारी बातें विचार की गई हैं। बहुत लोगों ने इसको सराहा है कि ऐसा जीवन में पहली बार हमको काम करने की प्रेरणा मिल रही है कि हमको अपने आप को, अपने मन को, अपने विचार को, सबको प्रबंधन करके समाज की सेवा में आगे लगना चाहिए। एक बड़ा विषय है कर्मचारियों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का, उसका एक कार्यक्रम चल रहा है। आज जो हमारे IAS, IPS, HCS, HPS, IFS ऐसे लगभग 200 लोगों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ था। सौभाग्य से आज सुधांशु जी महाराज का भी हमें मार्गदर्शन मिला है। इसी प्रकार से अन्य समाज में ऐसे
अच्छे प्रवचन और अच्छी शिक्षा देने वाले जितने भी महानुभाव हैं उनका हम सहयोग भी लेते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रेनर हैं उन ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में बड़े बड़े जो हमारे इंस्पायरिंग ऐसे लोग हैं उनका मार्गदर्शन को मिलता है। तो एक अच्छे जीवन, अच्छी जीवन पद्धति अपनाएं सब लोग, इस प्रकार का प्रशिक्षण का कार्यक्रम। हमने बहुत सी सरकारी जो पद्धति है, व्यवस्थाएं हैं, उसका परिवर्तन किया है और ऐसे व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं जिसमें समाज को नैतिकता के आधार के ऊपर हम कुछ डिलीवरी कर सकें। और जैसे ट्रांसपेरेंसी हमारे सारे सिस्टम में हमने बहुत उसका ध्यान रखा है। भर्तियाँ हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो भर्ती मिशन मेरिट ये हम लेकर के चले हैं। हमारी जो ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो भी उसी का एक अंग है। और हम लोगों ने व्यक्ति जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी अपना सिस्टम जो है उसको मजबूत किया है। और समाज में एक धारणा बनी है, एक विश्वास बना है कि इस सरकार के माध्यम से हमारी जो समस्या है उसको हल करने का पूरा रास्ता मिलता है। इस काम को बहुत बड़ा लाभ।